we produce this equilibrium at this point? Because condition number one, tangency. Condition number one, tangency is not satisfied. And Q1, Q2 is lower isoquant. Q1 and Q2 are lower isoquant. Producer will get equilibrium at Q3, which is higher than Q1 and Q2. The objective of producer is to maximize production. Utpadak ka uddeshya adhiktam utpadan ka. उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति करना दिए हुए आईएसओ कॉस्ट लाइन बजट की बाधाएं, उत्पादक के बजट की बाधाएं, बजटीय बाधा क्या है? AOB, देखिए चित्र में AOB, कैपिटल ए ओ कैपिटल बी, जो ट्रायंगल बन रहा है यही बजट का उत्पादक का बजटीय बाधा, इसके भीतर नहीं रहेगा, इतना बाहर जाएगा, कहां रहेगा? आईएसओ कॉस्ट लाइन पर नीचे रहेगा तो कम उत्पादन हो जाएगा। अब बाहर जा नहीं सकता, जेट पर देखिए दिखाई में जेट पर जा नहीं सकता और नीचे रह नहीं सकता, क्योंकि नीचे में वो इंटरसेक्शन होगा तबे नीचे आएगा। हाइएस्ट पॉसिबल आईएसओ क्वांट व्हिच प्रोड्यूसर विल गेट, दैट इज Q3। उत्पादक जो है तीसरा आइसोक्वांट, थर्ड, वो उसके लिए हाइएस्ट है और उसी को प्राप्त करेगा, और जैसे उसको प्राप्त करेगा तो उसका उत्पादन हो जाएगा 300x। श्रम लगेगा कितना? OM। कैपिटल लगेगा कितना? ON। और OL प्लस ON इसको कहा जाएगा लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, इसे कहा जाएगा लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। अगर एपीएससी ने यही पूछ दिया लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को दर्शाइए, यही बात दिखाना है। सारा बात जो है ना, इससे एक और नाम हो जाएगा लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के द्वारा उपभोक्ता संतुलन, उत्पादक संतुलन को दर्शाएं। लिख लीजिए एक बार, लिस्ट कॉस्ट कंडीशन, लिस्ट कॉस्ट कंडीशन के द्वारा, लिस्ट कॉस्ट कंडीशन के द्वारा लिस्ट कॉस्ट कंडीशन के द्वारा है ना, लिस्ट कॉस्ट कंडीशन के द्वारा उत्पादक संतुलन को दर्शाएंगे, इसी सब बात को लिखना है। इसमें टेल क्वेश्चन एक और भी जोड़ सकता है कि आईएसओ क्वांट और इंडिफरेंस सेल में क्या अंतर है, तो बताती है भीतर में आईएसओ क्वांट और इंडिफरेंस सेल में क्या अंतर है वो बता दिए हैं, क्लियर है। अब आईएसओ क्वांट और बजट लाइन और जो संतुलन का शर्त है उसका गणितीय जो हिट्स ने दिया है वो दर्शाएंगे। आप लिख लीजिए कि गणितीय विधि से विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस वी कैन शो द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। सूत्र द्वारा देखेंगे उत्पादक संतुलन आईएसओ क्वांट और आईएसओ क्लाइंट में कैसे दर्शाते हैं। DQ is equal to del Q by del L into DL, del Q by del K into DK is equal to 0.
अभी सेकेंड टर्म को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस डेल क्यू बाई डेल के डी के, और इधर हो जाएगा डेल क्यू बाई डेल एल डी एल। अब इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, और इसको इधर लाएंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा, पहले से इधर है डी के, और ये उठ के आएगा तो हो जाएगा डी एल, और इधर पहले से है डी क्यू बाई डी एल, तो उठ के इधर वाला आएगा तो नीचे चला जाएगा डी क्यू बाई डी के। इसी को इकोनॉमिक्स में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कहते हैं, और इसको कहते हैं माइनस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल। संतुलन शर्त, संतुलन शर्त नंबर वन, शर्त नंबर वन है, शर्त नंबर वन है, शर्त नंबर वन है, और शर्त नंबर वन, शर्त नंबर वन ए, शर्त नंबर वन इतना हो गया। वन ए क्या है कि माइनस एम आर टी एस एल के हर हाल में बराबर होना चाहिए पी एल बाई पी के, पी एल बाई पी के सर्च, और संतुलन शर्त दो, तो ये शर्त को कहा जाता है टेंजेंसी, टेंजेंसी, टेंजेंसी कंडीशन है, कौन कंडीशन है, टेंजेंसी कंडीशन। और शर्त दो है कि डी स्क्वायर यू होना चाहिए लेस देन जीरो, या हेसियन डिटर्मिनेंट, हेसियन डिटर्मिनेंट होना चाहिए पॉजिटिव, हेसियन डिटर्मिनेंट, इसको क्या कहते हैं, हेसियन, हेसियन डी टर्मिनेंट, हेसियन डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये शर्त नंबर दो हो गया, आ शर्त नंबर दो ए, यही जो आपका है डी वाई बाई डी एक्स, यही हो जाएगा पॉजिटिव डी स्क्वायर के डी एल स्क्वायर, डी एल स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होने से क्या हो जाएगा, कन्वेक्सिटी कंडीशन, कन्वेक्सिटी, कन्वेक्सिटी, कन्वेक्सिटी कंडीशन। और ई मोर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमा मतलब अधिकतम उत्पादन, अधिकतम अधिकतम उत्पादन, अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति, कन्वेक्सिटी कंडीशन, कन्वेक्सिटी कंडीशन, टेंजेंसी कंडीशन, और ये वाला जो है हमारा ये महत्वपूर्ण है फाइंडिंग, और इसी फाइंडिंग पर ये महत्वपूर्ण है टेंजेंसी, टेंजेंसी कंडीशन, कन्वेक्सिटी कंडीशन। सिटी कन्वेक्सिटी कंडीशन क्या कंडीशन है,
अधिकतम 100 सीटें। कन्वेक्सिटी कंडीशन तो कहता है कि कन्वेक्सिटी कंडीशन में ये चीज़ हमारा हाल फाल में होना चाहिए मोर देन जीरो, और ये मैक्सिमम कंडीशन मैक्सिमा 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 कंडीशन के लिए हर हालत में टोटल डिफरेंशियल का सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए लेस देन जीरो। अगर उस रास्ते से नहीं आते हैं, डिटर्मिनेंट के रास्ते से आते हैं, तो हेसियन डिटर्मिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव। तो इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि मैथमेटिक्स के द्वारा लास्ट में संतुलन को दर्शाएंगे और ऊपर इसमें लिख देंगे हिक्स महोदय ने सूत्र के द्वारा मैक्सिमाइजेशन को दर्शाया है, आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट लाइन ये चित्र से दिखलाने के बाद इसे सूत्र से दर्शाया है। इस प्रकार जे आर हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व की धारणा को उपभोग में लागू किया और इंडिफरेंस कर्व की धारणा को आइसो क्वांट में लागू किया और इसे उत्पादक संतुलन की स्थिति को प्राप्त किया। हिक्स हैज यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस इन आइसो क्वांट एंड ऑब्टेंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आइसो क्वांट कर्व एंड आइसो कॉस्ट लाइन। बहुत जगह आइसो क्लाइन लिखा रहेगा तो समझ जाइए कि आइसो है, कॉस्ट का सी है और लाइन है आइसो क्लाइन, एक है आइसो कॉस्ट लाइन। दैट्स ऑल, जोर से ताली बजाइए। रवाने वाला क्वेश्चन और जोर से बजाइए।